हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान दीजिएगा, राइट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्या करना है कि इन सभी नंबर्स के क्यूब में जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट आएगा उसको लिखना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इनको क्यूब करने के बजाय, क्योंकि ये तरीका है कि मतलब सबको यदि क्यूब कर देंगे आप तो जो यूनिट्स प्लेस पर आएगा उसको लिख लेंगे आंसर में। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू डिजिट का नंबर रहेगा तो आसान है मल्टीप्लाई करना थ्री टाइम्स, लेकिन जब ऐसे रहेगा नाइन डिजिट का नंबर तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत ही कंबर्सन हो जाएगा और इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। समझिए कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हमें निकालना है कि इसके क्यूब में यूनिट्स प्लेस पर क्या है, तो केवल आप ये फाइंड करिए कि इसका यूनिट्स प्लेस का क्यूब निकाल करके देखिए कि जो नंबर आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 31 में जो 1 है ना यूनिट्स डिजिट पर, इसका क्यूब निकाल करके देखिए कि यूनिट्स प्लेस डिजिट पर क्या आ रहा है उसमें। यदि जो भी आ रहा होगा वही आंसर होगा आपके इसके क्यूब में भी। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि यहाँ पे 109 है, ठीक है, यदि आप इसका क्यूब करके जो लाएंगे यूनिट्स डिजिट, आप केवल 9 का क्यूब कर लीजिए, जो भी आता है यूनिट्स प्लस पर वही होगा 109 के क्यूब में भी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं आपको प्रैक्टिकली। जैसे हम चलते हैं थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको कैलकुलेटर में। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 109, है ना, 109 यदि मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स तो क्या आएगा, 109 मल्टीप्लाइड बाई 109। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा इतना, और इसके यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 9 है। तो यदि हम 9 को भी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में 9 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए 9 मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 9 × 9, तो हमारे मिल गया देखिए 80, यहाँ पर 729, और 729 में 9 है यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर। तो हम क्यों मल्टीप्लाई करने जाएँ, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन क्यों करें, हम क्यों ना यहीं पर कर लें 729, मतलब कि 9 को ही हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो 729 आ जाएगा, और इसमें से हम यूनिट्स डिजिट ले लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे कि बड़ा से बड़ा नंबर आप ले लीजिए कोई, जैसे हम ले लेते हैं आपके क्वेश्चन का ये 4447, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, देखते हैं क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 4447। ओके, ऊपर वाले में 3 टाइम्स लिए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, सी 4447 मल्टीप्लाइड बाई 12347 मल्टीप्लाइड बाई 12347 इज इक्वल टू, देखिए ये आ गया इतना बड़ा नंबर, और इसके यूनिट्स प्लस पर क्या है, 3 है ना। तो हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने के बजाय, मीन्स ये 44447 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं तब जाकर कितना आया है और उसका यूनिट्स प्लस 3 है, इतना करने के बजाय हम क्या करें कि इसका जो 7 है उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर देख लेते हैं 7 को 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया 343, देखिए यहाँ भी 3 आ गया ना। तो हमें बस निकालना है कि यूनिट्स प्लस पर क्या नंबर है ना, तो 343 में भी से तो 3 आ गया हमारा, यहाँ भी 3 है, तो हम क्यों इतना बड़ा करने जाएं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इसका यही, और हम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक ऐसे ही। तो हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, चलिए आपको लिख के हम बता देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कि यूनिट्स वन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 31, मीन्स 31 के क्यूब में जो यूनिट्स प्लस का डिजिट होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 1 क्या है, यहाँ से लिया गया है, ठीक है, मतलब 1 के क्यूब में भी जो यूनिट्स प्लस का डिजिट होगा वही इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही आएगा फाइनली, और 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, मीन दिस इज द आंसर फॉर 31। सिमिलरली हम सबका निकालेंगे ऐसे ही, मीन्स लिखना पड़ेगा हर बार आपको ये सेंटेंस, यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 109 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 9 इज इक्वल टू यूनिट्स डिजिट
क्यूब ऑफ 9, और ये जो 9 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मीन्स लिख देंगे यहाँ पर 9 × 9 × 9 मीन्स ये आ जाएगा 981 एंड ये हो जाएगा 729। सो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नंबर है इसका जो डिजिट है 9 है, सो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 एंड दिस इज योर आंसर। मीन्स यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस वन 729 का क्या होगा, 9 होगा और ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही सिमिलरली जो आप सबका कर सकते हैं, जैसे कि 125 125 125 ये जो बड़ा नंबर है इसका भी कर सकते हैं, केवल 5 को निकालना पड़ेगा आपको, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 ही फाइनली आ जाएगा, ठीक है। वैसे सबका कर सकते हैं आप, ठीक ऐसे ही एग्जैक्टली। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं सिंपल तरीके से और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।